लाल चने और लहसुन से बना हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और यहाँ मैंने लिया है 2 लहसुन और 2 प्याज। प्याज के हम पीछे वाले भाग को इस तरह चाकू से काट लेंगे। चाकू के कोने से प्याज के उजले वाले भाग को हम इस तरह काट के निकाल लेंगे। ये वाला भाग अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी रेसिपी थोड़ी कड़वी बन सकती है। और प्याज को छील लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने प्याज को छील लिया है। और अब हम लहसुन को मसाला कूटने वाले से इस तरह तोड़ लेंगे। ये लहसुन काफ़ी सख्त था तो यहाँ मैंने इस मसाला कूटने वाले से इसे तोड़ लिया है। और अब हम लहसुन को छील लेंगे और लहसुन की कली में से सारे लहसुन को अलग कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने लहसुन को अच्छी तरह छील के साफ़ कर लिया है। और अब हम प्याज लेंगे। प्याज को इस तरह बारीक कट कर लेंगे। आप इसे महीन ही काटें जिससे प्याज हमारे बिल्कुल ही इवनली और एक साइज में दिखेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने प्याज को काट लिया है। और अब हम धनिया पत्ता लेंगे। धनिया पत्तों को यहाँ मैंने धो के अच्छे से साफ कर लिया था। और अब हम इसे भी बारीक या महीन काट लेंगे। इस रेसिपी को बनाते समय आप धनिया पत्ता का यूज़ ज़रूर करें। अगर आपके पास धनिया पत्ता ना हो तो आप इसमें कड़ी पत्ता का यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ मैंने बारीक धनिया पत्ता को कट कर लिया है। और अब हम मिक्सर या ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें लाल चने डालेंगे। यहाँ मैंने चने को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में धो के अच्छे से भिगो दिया था। आप इसे चाहे तो रात भर या ओवरनाइट के लिए भी भिगो सकते हैं। और अब हम इसमें लहसुन डालेंगे, बारीक कटा हुआ अदरक का टुकड़ा डालेंगे। और इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 10 से 15 काली मिर्च डालेंगे, स्वाद अनुसार या 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। और अब जार का ढक्कन लगाकर हम इसे दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने 1/4 कप पानी डाल करके, ये देखिए यहाँ मैंने चना को परफेक्ट दरदरा ग्राइंड कर लिया है। हमें इसे इतना ही ग्राइंड करना है। और अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे या ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक या बच्चों के टिफ़िन में भी इजीली बना के दे सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। पिसे हुए चना में 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और 2 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, 1 कप बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे, 2 से 3 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप कर दें। 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालकर साफ हाथ से हम सभी इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह मिला लेंगे। पिसे हुए चने के बैटर को हम अच्छे तरह हाथ से मिला लेंगे जिससे सभी मसालों का फ्लेवर इसमें मिल जाएगा, जिससे हमारा रेसिपी बिल्कुल टेस्टी और फ्लेवरफुल बनेगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने बैटर को अच्छी तरह मिला लिया है। और अब हम हाथों में थोड़ा सा चने का डो लेंगे और इसे गोल घुमाते हुए बॉल बना लेंगे। और इसे थंप या अंगूठा से इस तरह दबाते हुए वड़ा का शेप दे देंगे। और ये देखिए, चने से हमारा वड़ा बन के तैयार हो गया है। और यहाँ मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा था और तेल हमारा गरम हो गया है। हम इसमें चना का वड़ा डालेंगे। यहाँ मैंने इसे सैलो फ्राई किया है, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें दूसरा वड़ा डालेंगे। तेल को मैंने हाई फ्लेम पे गरम कर लिया था और वड़ा डालते समय गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे जिससे वड़ा डालते समय हाथ हमारे जलेंगे नहीं और वड़ा हमारे बिल्कुल अंदर तक सिकेंगे और क्रिस्पी और करारे बनेंगे। तेल में हम एक एक करके वड़ा डालेंगे जिससे वड़ा हमारा बिल्कुल क्रिस्पी और परफेक्ट बनेगा। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें, बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी या वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे वड़े तेल में डाल दिया है और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से अच्छी तरह गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। वड़ा फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए हैं, हम इसे पलट लेंगे। और ये देखिए, दूसरी तरफ से भी वड़ा में बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। हम सभी को एक एक करके पलट लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। और मीडियम फ्लेम पे हम इसे दूसरी तरफ से भी
गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और ये देखिए दूसरी तरफ से भी हमारा वड़ा अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और इसमें दोनों तरफ से ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। और अब हम सारे वड़े को तेल में से निकाल लेंगे और वड़े में लगा एक्स्ट्रा ऑयल को इस तरह से छान लेंगे। इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और एक एक करके वड़े को हम ऑयल में से निकाल लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने लगभग सारे वड़े को ऑयल में से अच्छी तरह से निकाल लिया है। और ये देखिए चने का वड़ा हमारा क्रिस्पी और करारा बनके तैयार हो गया है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने वड़ा को फ्राई करके निकाल लिया है और सेम तरीके से हम बाकी बचे हुए बैटर का भी वड़ा बना लेंगे। और ये देखिए बाकी बचा हुआ बैटर का भी हम इसी तरह वड़ा बना लेंगे और सेम तरीके से ही हम इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। और चलिए अब हम वड़े को प्लेट में सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए यहाँ मैंने सॉस लिया है। वड़े को हम प्लेट में सर्व करेंगे और अब हम इस पर सॉस डालेंगे और इसमें पुदीना के पत्ते से मैंने सर्व किया है। और अब हम इस पर लच्छा प्याज डालेंगे और ये लीजिए हमारा प्रोटीन से भरपूर हेल्दी टेस्टी और फ्लेवरफुल वड़ा बनके हमारा तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और चलिए अब मैं मिलती हूँ आप सभी के साथ अगले रेसिपी में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें।